10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्पाई मास्टर जनरल हमीद गुल। गाजी जनरल हमीद गुल के 10 नाकाबले यकीन हकाइक। दोस्तों, मरहूम गाजी जनरल हमीद गुल पाकिस्तान की धरती का वो सपूत है जिसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कहा था कि ये शख्स दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक है, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने इनको दुनिया के खतरनाक तरीन जर्नल्स में शामिल कर रखा था और 9/11 और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बारे में हमेशा इसको अंदरूनी साजिश कहने की वजह से इन पर अमरीका जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। स्पाई मास्टर के निक नेम से अपनी पहचान बनाने वाले जनरल हमीद गुल ने हमेशा बहुत ही बेबाक होकर ये कहा कि एक मोमिन के लिए सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है और मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को सुपर पावर नहीं मानता। जनरल हमीद गुल जब ISI के चीफ थे तो इन्होंने ऐसा क्या तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया था कि जनरल सफीर ने इनको मशहूर जमाना बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा तोहफे में दिया था और साबिक वजीर आजम इमरान खान को रेहम खान के हवाले से ऐसा क्या इन्होंने कहा था जो कि बाद में बिल्कुल सच साबित हुआ। मैं टैंक बनाने नहीं, टैंक चलाने आया हूँ, ये जुमला कहकर फौज इन्होंने क्यों छोड़ दी, ये सब आज की इस इंतहाई दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पे वो वीडियोस लेकर आते हैं जो कि आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेंगी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जनरल हमीद गुल 20 नवम्बर 1936 को सरगोधा शहर में एक यूसुफ जई पठान घराने में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद खान एक किसान थे और इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के एक स्कूल में हासिल की। आला तालीम के लिए लाहौर आ गए और यहां के सबसे मशहूर और तारीखी GC कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जिसके बाद इनको रावियंस का खिताब मिला जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को कहा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद इन्होंने 1956 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में ट्रेनिंग के लिए दाखिला लिया। 18th PMA लॉन्ग कोर्स पास करने के बाद ये बाकायदा पाक फौज का हिस्सा बने और अपने शानदार कैरियर का आगाज किया। दोस्तों, यहाँ को एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि जनरल हमीद गुल ने हर ओहदे की प्रमोशन पहले ही हासिल कर ली और इसके लिए दरकार कोर्स बाद में मुकम्मल किया। ये पाक फौज की तारीख के सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का भी एजाज रखते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, पाक फौज में भर्ती होने के बाद इनका सबसे पहला बड़ा इम्तिहान 1965 की जंग में सियालकोट शहर की हिफाजत करना थी और ये टैंक कमांडर भी थे। इनकी क्यादत में पाक फौज ने चविंडा के मुकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग में हिस्सा लिया। तारीख में ये टैंक बैटल ऑफ चविंडा के नाम से मशहूर है और भारत ने इसमें 600 टैंक्स के साथ हमला किया था जबकि पाक फौज के पास 100 से 130 टैंक थे। जनरल हमीद गुल की क्यादत में पाक फौज के टैंक कमांडर्स ने भारत को नाकों चने चबवा दिए और चविंडा के मुकाम को ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स यानी के इनके टैंक्स के कब्रिस्तान में बदल दिया। सैकड़ों शहीदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और सियालकोट की सरजमीन का न सिर्फ दिफा किया बल्कि दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त भी हुई। इस जंग में भारत का सबसे बेहतरीन टैंक ब्लैक एलिफेंट भी कब्जे में ले लिया गया जो कि आज भी चविंडा के मुकाम पर मौजूद है और शानदार फतह की याद दिलाता है। जनरल हमीद गुल ने बेहतरीन टैंक कमांडर होने का यहाँ पर सबूत भी दिया। इसके बाद 1971 की जंग में भी ये मगरबी पाकिस्तान के महाज पर बहादुरी से मुल्क का दिफा करते रहे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जनरल हमीद गुल अपनी बहादुरी और जहानत से प्रमोट होते रहे। ये 1972 में बटालियन कमांडर के रैंक पर प्रमोट हुए, 1978 में ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट हुए और जब ये ब्रिगेडियर बने तो इन्होंने बर्तानिया में द रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री कोर्स करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि अंग्रेज कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला, वतन का दिफा अपनी मट्टी के जिस फहम से आता है वो मेरे खून में दौड़ता है। इनकी जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जब ये मेजर थे तो इनकी इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजीज कर्नल रैंक के कोर्स में पढ़ाई और सिखाई जाती थी और जब जियाउल हक सदर पाकिस्तान बने तो इन्होंने जनरल हमीद गुल की सलाहियतों को देखते हुए इन्हें डायरेक्टली अपनी कोर में शामिल कर लिया। जब इनको DGMI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाया गया और ये अपने ओहदे का चार्ज संभाले रावलपिंडी एयरपोर्ट उतरे तो इनकी हिफाजत के लिए 10th कॉर्प्स के दस्ते ने इनको घेरे में लेना चाहा तो इन्होंने एक तारीखी जुमला बोला कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है, हमीद गुल की हिफाजत के लिए नहीं, और ये कहकर सबको वापस भेज दिया और जब तक फौज में रहे कभी अपनी हिफाजत के लिए गार्ड्स नहीं रखे और ना ही कभी किसी हिफाजती दस्ते की खिदमत हासिल की। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, जनरल हमीद गुल को जनरल जियाउल हक ने 1987 में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की जगह पर जब DGISI बनाया तो इन्होंने आसिफ नवाज झंझुआ और जनरल अख्तर के साथ मिलकर साबिक सुपर पावर सोवियत यूनियन को तोड़ने का फैसला किया जो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर पहुंच चुका था और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने के लिए हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन पाक फौज की क्यादत
ने बर्फानी रीच को